सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान रुचि में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही बढ़िया रेसिपी जो कि खाने में लाजवाब है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो ये रेसिपी दूध से बनती है, तो अगर आपके पास दूध है, ज़्यादा दूध है, घर में दूध बच गया है, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। हमारे वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, छोटे बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप सब लोग देखिए कि हम आपके साथ क्या शेयर कर रहे हैं, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने एक बाउल ले लिया है और बाउल में हम डालेंगे 3 चम्मच चीनी। तो सबसे पहले हम चीनी लेंगे और चीनी को हम पानी में घोल देंगे। तो हमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, 1 गिलास पानी हम डालेंगे। अगर पानी हमारा कम पड़ेगा तो हम सादा पानी मिला लेंगे, लेकिन चीनी घोलने के लिए हम 1 गिलास पानी ही लेंगे, बहुत ज़्यादा पानी हम नहीं यूज़ करेंगे। तो ये 1 गिलास पानी में हम 3 चम्मच चीनी घोल लेंगे। आप चाहें बाउल में घोलिए और चाहें तो आप किसी लोटे में या जग में, आप जिस बर्तन में चाहें उसमें आप चीनी घोल सकती हैं। तो ये चीनी हमने घुलने के लिए रख दी है, 10-5 मिनट बाद हमारी ये चीनी घुल जाएगी। तो हम थोड़ा सा इसको चम्मच से चला देंगे तो हमारी चीनी जल्दी घुल जाएगी। आप चाहें तो गर्म पानी करके भी चीनी को घोल सकती हैं। तो अब हमने ले ली है कढ़ाई, और कढ़ाई में हम पका हुआ दूध डाल रहे हैं। देखिए कितनी मलाई पड़ी हुई है, तो हम मलाई वाला दूध ले रहे हैं। अगर आप चाहें तो बिना मलाई का दूध भी ले सकती हैं। पके दूध में वैसे तो दूध पक जाता है, जब हम इसको गैस पे अभी रखेंगे तो वैसे हमारा दूध खौलने लगता है, खौलने के बाद ही हम इस रेसिपी को बनाते हैं। तो चाहें तो आप कच्चा दूध ले लीजिए और चाहें तो आप पका पकाया दूध ले सकती हैं। तो ये हम पकाया दूध ले रहे हैं, बच्चों ने 2 दिन से दूध नहीं पिया था तो दूध हमारा बच गया था, तो हमने सोचा कि आज दूध की कोई रेसिपी बना लेते हैं जिससे कि हमारा दूध पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो इसीलिए हम बना रहे हैं। तो हमने पका दूध लिया है, तो अब दूध में हम डालेंगे 3 चम्मच के आसपास चीनी। अपने स्वाद के अनुसार चीनी आप डालिए, कम ज़्यादा भी कर सकती हैं। तो हम 3 चम्मच चीनी ले रहे हैं, तो चीनी तब तक हमारी घुलेगी, दूध हमारा जब तक पकेगा तब तक हम इधर घोल तैयार कर लेंगे। तो ये हम घोल बनाएंगे, आटे और चीनी का घोल हम बनाएंगे। तो ये हमने 2 कटोरी आटा ले लिया है, आटा हमने पहले छान लिया था, तो ये छना हुआ हमने आटा लिया है 2 कटोरी, और जो हमने चीनी घोल के रखी है उसी से हम इस आटे को तैयार करेंगे, हम इसका घोल बनाएंगे। घोल हमें वैसा बनाना है जैसे कि हम बेसन की पकौड़ी बनाते हैं, तो जिस टाइप का हमारा पतला घोल रहता है उसी तरह का घोल हम तैयार करेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे आटे में, 1 गट्ठे पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें गांठें पड़ जाएंगी। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको मिलाते जाएंगे। तो आप देखिए हम इसको मिला रहे हैं अच्छे से, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। पानी जब हमारा चीनी वाला पानी जब हमारा ख़त्म हो जाएगा तो हम नॉर्मल पानी डालेंगे, और नॉर्मल पानी से इसका हम बढ़िया सा घोल तैयार कर लेंगे पकौड़ी वाला। तो इसको हम धीरे धीरे पानी डाल के अच्छे से फेंटते जाएंगे, अच्छे से हम जब पानी डाल डाल के फेंटेंगे तो हमारा बढ़िया सा घोल तैयार होगा। हमें 1 गट्ठा पानी एक साथ नहीं लेना है, नहीं तो गांठें बन जाएंगी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी जब आप डालेंगी तो हमारा ये बढ़िया सा बैटर तैयार हो जाएगा पकौड़ी वाला। बहुत ज़्यादा इसको ढीला भी नहीं रखना है, जैसे पकौड़ी बनती हैं बिल्कुल उसी तरह का ये हमें घोल तैयार करना है। और इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे, 15 मिनट तक हम इसको घोल बनाकर और ढककर रखेंगे। तो ये हमने अच्छे से घोल बना लिया है, हमने इसको पतला थोड़ा सा बनाया है क्योंकि अभी ये 15 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे तो थोड़ा सा ये गाढ़ा होगा, तो इसलिए हम जो है इसको थोड़ा पतला बनाए हैं और हम इसको रख देंगे। 15 मिनट के बाद हम पकौड़ी बनाना शुरू कर देंगे। तो देखिए ये हमारा बढ़िया सा मिश्रण तैयार है और इसमें बबल्स भी बन रहे हैं, और इधर हमारा दूध भी खौल गया है, चीनी भी हमारी अच्छे से घुल गई है। तो हम इसमें
पकौड़ियाँ डालेंगे एक एक करके, हम छोटी छोटी पकौड़ी बना बना के कढ़ाई में डालेंगे। तो इसी तरह से पकौड़ी हम पूरी कढ़ाई में डाल देंगे बना बना के। दूध हमारा अच्छे से खौल चुका है तो ये हमारी पकौड़ियाँ एक में नहीं चिपकेंगी, ये जब पक जाएंगी तो ये हमारी पकौड़ियाँ खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगी। तो ये आप देख रहे हैं कि हम पूरी कढ़ाई में एक एक करके पकौड़ियाँ बना बना के डाल रहे हैं, और जो हमारी पकौड़ी पक रही है वो नीचे से ऊपर की ओर आ रही है। तो ये हमारा जो घोल तैयार हुआ है आटे का, ये बहुत अच्छा तैयार हुआ है, अच्छे से ये फूल भी गया है। हमने इसको रख दिया था 15 मिनट के लिए, तो काफ़ी अच्छा हमारा डो बन के तैयार हो गया है। तो इसी तरह से आपको भी बनाना है घोल बना के, तुरंत पकौड़ियाँ आपको नहीं बनानी है, थोड़ी देर के लिए आप इस घोल को रख जरूर दें, रखेंगी तो अच्छे से फूलेंगी पकौड़ी। आप इसमें बेकिंग सोडा वगैरह कुछ भी मत डालिए, मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, सिर्फ मैंने आटे का घोल बनाया है। तो आप देख रहे होंगे कि हमारी पकौड़ियाँ ऊपर की ओर आ रही हैं, तो ये सब हमारी पकौड़ियाँ पक चुकी हैं, तो वो नीचे से ऊपर की तरफ उठ के आ गई हैं। और इसी तरह से हम सारी पकौड़ियाँ अच्छे से चलाते जाएंगे। तो ये हमने इसको चला दिया है, देखिए कोई भी पकौड़ी एक दूसरे में नहीं चिपकी है, सारी पकौड़ियाँ अलग अलग हैं। तो जो हमारा थोड़ा सा अभी मिश्रण बचा हुआ है, आटा हमारा अभी थोड़ा सा रह गया है, हम उसको भी डाल देंगे। तो हमने सारी पकौड़ियाँ डाल दी हैं और हम इसको अच्छे से चला देंगे। तो ये हमने छोटी छोटी पकौड़ी बनाई हैं, बिल्कुल भी आपको भी छोटी पकौड़ी बनानी है, बड़ी पकौड़ी बिल्कुल भी ना बनाएं। अगर आप वहीं पर खड़ी रहकर इसको पका रही हैं तो आप इसको खुला पकाइए, और नहीं तो थोड़ा सा ढक दीजिए, ढक्कन ऐसा लगाइए कि थोड़ा सा खुला रहे ताकि दूध बाहर ना आने पाए। तो आप देखिए 10 मिनट के बाद हमने ढक्कन को हटाया है, तो देखिए हमारा दूध गाढ़ा गाढ़ा हो गया है और ये पकौड़ियाँ हमारी सारी पक चुकी हैं, जो देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही हैं। जितना ज़्यादा टेस्टी ये देखने में लगती हैं, उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी खाने में भी लगती हैं फ्रेंड्स। तो आपने देखा कितनी जल्दी और कितनी आसानी से हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हो गई। तो ये मीठी रेसिपी है, मीठी डिश है, अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, आप इसको ट्राई कर सकती हैं। तो ये देखिए हमारी बढ़िया सी मीठी मीठी पकौड़ियाँ बनकर रेडी हैं। तो हम बच्चों को नाश्ता देंगे, क्योंकि बच्चों ने अभी सुबह कुछ नाश्ता नहीं किया है, तो आज हमने मीठी डिश बनाई है, तो आज हम बच्चों के साथ यही शेयर करेंगे, बच्चों को यही खाने को देंगे और साथ में हम भी नाश्ता करेंगे। तो हम सब लोग नाश्ता करने जा रहे हैं, आप देखिए कि हमारी कितनी बढ़िया मीठी मीठी पकौड़ी बनकर तैयार हैं। तो हमने परोस दिया है, अब हम बच्चों को खिलाएंगे, बच्चों को ये बहुत पसंद है। तो ये देखिए हमारी डिश बनकर तैयार है। तो हम लोग अब जा रहे हैं नाश्ता करने, बाबू, बड़ी बिटिया, छोटी बिटिया और हम तीनों, चारों लोगों के लिए मैंने है कटोरी लगा दी है। अब हम लोग आराम से बैठकर खाएंगे और आपको बताएंगे कि इसका स्वाद कैसा है। चीनी थोड़ी कम लग रही है इसका, क्या नहीं सही है, तुम दोनों कॉलेज में एक दूसरे से प्यार करो और ये अच्छा बच्चे अच्छा लग रहा है, हाँ। बच्चे बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स।
मीठा मीठा है। अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं, आपको मीठा पसंद है, तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा। ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। इसको हम लोग दूध की पकौड़ी कहते हैं, दूध बरिया भी कहा जाता है इसको। और ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बनती है, मैंने आपको दिखाया भी है कि ये कैसे बनती है। देखिए बच्चे कितने चाव से खा रहे हैं, बच्चों को ये बहुत पसंद आती है।